Hello everyone, so we have to discuss the newspaper of 7th of November. Before that, if you want the PDF of this particular video, you can go to Telegram and search for Study Score Official, you will get the PDF here. So, first topic is about fire in hospital. You must have heard that 11 COVID patients have been killed due to fire in ICU in Maharashtra. There is a place called as Amarnagar, right? Okay, so देर इन आई पी सी थ्री जीरो फोर देर इज अ प्रोविजन ऑफ डेथ कॉज बाई नेग्लीजेंस नो वॉट आर द मेन कॉजेज वाई एक्चुअली देर इज अ फायर इन हॉस्पिटल मेन रीजन क्या होता है दैट इज ऑक्सीजन एनरेस्टमेंट ऑफ एयर सो एज वी नो कि हॉस्पिटल वगैरह में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है देर आक्सीजन सिलेंडर्स एंड डिफ्रेंट टाइप ऑफ थिंग्स जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एनरेस्ट होता है एयर स्पेशली आई वगैरह में तो एज द अमाउंट ऑफ इग्निशन एनर्जी नीडेड टू इनिशिएट फायर रिड्यूसेस इन द प्रेजेंस ऑफ हायर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन सो एनी हीट और स्पार्क मे बी द सोर्स ऑफ इग्निशन ठीक है तो थोड़ा सा भी अगर हीट यास स्पार्क होता है तो वहाँ पे आग लग जाती है बिकॉज ऑलरेडी ऑक्सीजन वहाँ पर काफी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है इसके अलावा स्प्लिट एसी जो प्रेजेंट होता है दैट इज ऑल्सो मेन कॉज ऑफ़ फायर इन आई सी आई सी यू एंड ऑपरेटिंग रूम्स इन सब जगहों पर जो स्प्लिट ए लगे होते हैं स्प्लिट ए में किसी भी टाइप का शॉर्ट सर्किट इजिली हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है यहाँ पर आसानी से आग लग जाती है हॉस्पिटल वगैरह में तो हॉस्पिटल्स में जितने भी आग लगते हैं उसमें मेन कॉज ऑफ़ फायर यही होता है इसके अलावा क्या सजेशंस है इसके लिए फर्स्ट इज कि जितने भी ऑक्सीजन गैस जो हॉस्पिटल वगैरह में स्टोर किए जाते हैं उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाना चाहिए वो लीक नहीं करने चाहिए बिकॉज शॉर्ट टर्म में कोई मेन प्रॉब्लम कॉज नहीं करते हैं बट थोड़ा सा भी स्पार्क या फिर uh, कोई भी आग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो वो एग्रीवेट हो सकता है इसके अलावा दे शुड वी शुड वर्क ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द हॉस्पिटल स्टाफ कि किस तरीके से uh, इस चीज को हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन को uh, संभाल के रख सकते हैं द सेकेंड टॉपिक इज अबाउट पावर शॉर्टेज एज़ यू नो कि uh, आजकल बहुत ज़्यादा पावर शॉर्टेज के न्यूज़ेस आ रहे हैं तो पॉइंट ये है कि इंडिया ने रिकॉर्ड किया है पावर शॉर्टेज ऑफ 1201 जीरो वन मिलियन यूनिट्स इन अक्टूबर 2021 सिर्फ एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट ट्वेल्व हंड्रेड मिलियन यूनिट्स पावर हमने uh, मतलब इतना हमारा पावर शॉर्टेज कम था इतना शॉर्ट था ये पिछले पाँच साल का सबसे हाइएस्ट था मेन रीज़न क्या है इसका मेन रीजन है क्रंच इन कोल्ड स्टॉक्स जो कोल्ड का हमारा स्टॉक है वो लगातार कम हो गया है पिछले कुछ दिनों में उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन से ठीक है जैसे मानसून का अचानक से इंक्रीज होना ठीक है मानसून जो इंक्रीज हुआ है उसके कारण पानी वाटर लॉगिंग बढ़ गई है तो जितने भी मानसून जितने भी कोल के माइन्स होते हैं उसके अंदर पानी भर गया है तो उसके कारण नॉर्मली अब तक मानसून फिनिश हो जाना चाहिए था और आ, कोल माइनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी बट बारिश के कारण अभी तक वो उन माइन्स में से पानी नहीं निकला है उसके कारण माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो इन सब डिफरेंट रीज रीजन्स के कारण कोल की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में भी कम है उसके कारण पावर शॉर्टेजेस वगैरह देखे गए हैं पिछले एक महीने के अंदर नाउ कुछ स्टार्टिक पोर्शन की बात करें तो कोल का नेशनलाइसन किया गया था 1969 में इंडिया के अंदर एंड मोर देन 80 परसेंट इलेक्ट्रिस इन इंडिया स्टिल जनरेटेड फ्रॉम कोल या लिगनाइड ठीक है इसके अलावा इंडिया के अंदर जो ये एक पब्लिक सेक्टर बॉडी है कोल इंडिया लिमिटेड इट इज द ओनली कंपनी टू माइन कोल्स इन इंडिया ठीक है लेकिन सिर्फ ये अकेली कंपनी होने के कारण ये पूरा जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं कर पाती है तो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाती है उसी कारण काफी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी इसके अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट किया है और उसे कि स्टार्ट किया है कैप्टिव माइंड्स के अंदर तो कैप्टिव माइंड्स क्या है अगर एक पर्टिकुलर माइंड को हम uh, किसी प्राइवेट बॉडी को दे देते हैं टू माइन इट एंड यूज़ इट फॉर इट्स ओन पर्पज ठीक है अपने खुद के पर्पज़ के लिए वो अगर यूज करता है उसके अंदर से माइनिंग करके कोल निकालता है और उसको यूज करता है दैट इज़ कॉल्ड एज कैप्टिव माइन ठीक है तो ये भी हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी रिसेंटली स्टार्ट किया है बट अभी हमें उसको चेक करना है कि वो रिसेंटली कितना अच्छे से काम करेगा अभी अभी जस्ट वो स्टार्ट हुआ है इसके अलावा अगर स्टार्टिंग पोर्शन देखिए तो कोल से हम कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं करेंटली हम टू जीरो एट गीगा वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कोल से बट हमारा टारगेट है कि दो हजार तीस होते होते इट शुड रीच बाई टू सिक्सटी सेवन गीगा वॉट्स ठीक है लेकिन देखिए ऑल दो इसका 208 से लेकर uh, 267 सिक्सटी तक जा रहा है ठीक है बट स्टिल इसका जो शेयर है वो डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 54.9 परसेंट अभी अभी ये लगभग ऑलमोस्ट 55 परसेंट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्टली कोल से जनरेट होती है उसको हमें कम से कम कम करके वन थर्ड तक लेकर आना है यानी कि थर्टी थ्री परसेंट लेकर आना है बाई ट्वेंटी ठीक है ये हमारा एम है इसके अलावा इंडिया इज द से लार्जेस्ट इंपोर्टर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ कोल तो आपको ध्यान रखना है कि कोल की जब बात आती है तो इंडिया इंपोर्टिंग में भी सेकंड नंबर पे है कंज्यूमिंग में भी सेकंड नंबर पे है और एज अ प्रोड्यूसर भी वो सेकंड नंबर पे है अगर हम रिसेंट डेटास का देखें तो देखिए ये आज का डेटा है जहां पर देखिए पंजाब राजस्थान गुजरात केरला उत्तर प्रदेश आंध्रा इन सब स्टेट्स ने अपने अपने पावर शॉर्टेजेस का डेटा बताया है तो ये मिलियन टन के अंदर है ठीक है मिलियन यूनिट्स के अंदर है ये पंजाब के अंदर 120 मिलियन यूनिट्स पावर शॉर्टेज था पिछले एक महीने में राजस्थान के अंदर 240 मिलियन यूनिट्स गुजरात के अंदर 214 केरला के अंदर टू आंध्र प्रदेश के अंदर इलेवन सो so, ये शो करता है कि कितने पावर शॉर्टेस हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ कोल क्रंच तो हमें जल्दी से जल्दी रेन्यूबल एनर्जी की तरफ स्विच करने की जरूरत है ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चुंबी वैली लेट्स टॉक अबाउट चुम्बी वैली सो चुम्बी वैली देखिए हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि चाइना जो है अपनी स्ट्रेंथनिंग कर रहा है अपनी कनेक्टिविटी और इंक्रीजिंग इंक्रीज uh, कर रहा है अपने डेप्थ को चुम्बी वैली के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि चुम्बी वैली की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है देखिए ये इंडिया है इंडिया का ये सिक्किम वाला पार्ट है ठीक है नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भूटान है और ऊपर से चाइना आ रहा है सो so, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया भूटान और चाइना के बीच में ट्राई जंक्शन पर एक पर्टिकुलर प्लेस है दैट इज कॉल्ड द चुंबी वैली ठीक है आपको ध्यान रखना है इट इज़ ऑन द ट्रांस जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड भूटान

हमें पता है कि डेंगू लगातार फैलता जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर ठीक है ओके नाउ डेंगी इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ऐसा हमें पता है नाउ इट इज अ ट्रॉपिकल डिजीज़ ठीक है जो गर्म इलाकों में फैलता है इट इज़ कॉज बाई डेंगी वायरस ऑफ जीनस फ्लाई वायरस ठीक है ये जो डेंगी कॉज uh, करता है उसको वो जिस मॉस्किटो से करता है उसका जीनस क्या है फ्लाई वायरस इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड बाई सल मॉस्किटो स्पीसीज तो सिर्फ एक मॉस्किटो का स्पीसीज नहीं है जो इसको फैलाता है देर आर सवरल मॉस्किटो स्पीसीज कुछ मल्टीपल्स हैं जो कि एडिस जीनस के भी है। हैं देखिए ऊपर हमने देखा जीनस के, के मेनली कौन सा है अब देखिए तो तो इसके अलावा यही सेम मॉस्किटो जो है ये चिकनगुनिया भी फैलाता है येलो फीवर भी फैलाता है और जी का वायरस भी फैलाता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है एक सिंगल मॉस्किटो जो है टोटल चार डिफरेंट डिजीज का कैरियर बन सकता है मतलब अलग अलग वायरस का कैरियर बन सकता है अब डेंगू की बात करें डेंगू के अंदर तो टोटल चार सीरो टाइप्स होते हैं सीरो टाइप्स क्या होते हैं सीरो टाइप्स दे आर सेपरेट ग्रुप्स विद इन सेम स्पीसीज तो एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं दे आर कॉल्ड सीरो टाइप्स देखिए डेंगू वन डेंगू टू डेंगू थ्री एंड डेंगू फोर टोटल चार सीरो टाइप्स आपको इतना ध्यान रखना है अब हमें कैसे पता चल सकता है कि डेंगू है किसी को या नहीं है तो उसकी डायग्नोसिस जो होती है वो ब्लड टेस्ट के थ्रू होती है ठीक है ब्लड टेस्ट के थ्रू इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है ना कोई इसका मेडिसिन है ना कुछ है ठीक है लेकिन इसका वैक्सीनेशन प्रेजेंट है रिसेंटली 2019 में यूएसए का जो एफ है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडी है उसने रिसेंटली सी वाई डी टी डी बी वी नाम की एक वैक्सीन को अप्रूव कर दिया जिसका नाम रखा है डेंग वैक्सिया ठीक है so, सो इसको देखेंगे हम डेंगू प्लस वैक्सीन को कंबाइन करके बनाया गया है डेंग वैक्सिया ठीक है इससे बनाया गया है इट इज़ लाइव एटेन्युवेटेड वायरस तो लाइव अटैनिटरी वायरस क्या होता है जहाँ पर हम वायरस को मारते नहीं है बॉडी में डालने से पहले उसको लाइव मतलब जिंदा छोड़ देते हैं बट उसको टान, उसको अटानिवेट कर देते हैं मतलब उसको वीक कर देते हैं ठीक है तो ये एक वीकन वर्जन ऑफ द सेम वायरस है डेंगू वायरस है जिसको एक बॉडी मतलब वैक्सीन के रूप में बॉडी के अंदर डाला जाता है ओके okay. किसको डाला जाता है इट इज फॉर नाइन टू सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एज के जो पीपल होते हैं उनको डाला जाता है स्पेशली वो जिनको प्रीवियस केस ऑफ इन्फेक्शन हो जिनको पहले डेंगू हुआ हुआ उनको ही मतलब ये दिया जाता है और स्पेशली वो लोग जो कि एंडेमिक एरियाज में रहते हैं जहां पर डेंगू लगातार फैलता जा रहा है इसके अलावा द मेन प्रॉब्लम डेंगू में क्या है डब्लूएचओ ने यह बोला है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है अंडर रिपोर्टिंग की मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो प्रॉपर इंफॉर्मेश नहीं निकाल पा रही है कि, कि कितने डेथ्स जो हैं डेंगू के कारण हुए थे इंडिया के अंदर एक बॉडी है दैट इज नेशनल वैक्टर डिजीज बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये एक प्रोग्राम चल रहा है इंडिया के अंदर एनवी बी डी सी पी इट वर्क फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टोटल सिक्स डिजीज टोटल छह डिजीज के लिए प्रिवेंशन के लिए काम करता है मलेरिया डेंगू लिम्फेटिक फेरिस काला अजर ज जापानीज इंसफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया तो आपको ध्यान रखना है टोटल छः जो है इन छों के नाम हमें ध्यान होने चाहिए हमेशा ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से डिजीज इंक्लूडेड है ठीक है आपको ध्यान रखना है इसके अलावा देर इज बैक्टीरिया कॉल्डस वॉल्वेशिया बैक्टीरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है लॉन्ग टर्म में डेंगू का स्प्रेड को कम कर सकता है कैसे स्प्रेड कम कर सकता है देखिए अगर एक पर्टिकुलर स्टेगनेंट वाटर है जिसके अंदर डेंगी का आ... का जो मॉस्किटो है दैट इज एडिस एजिप्टी अगर वो uh, मतलब यू you नो know, वो हो रहा है बढ़ रहा है तो अगर इसके अंदर हम वल्बेशिया बैक्टीरिया को डाल दें तो वल्बेशिया बैक्टीरिया इसके अंदर आके हर एक मतलब यू नो एग अपना एग देगा उसी कारण क्या होता है जितने भी एडिस एजिप्टी है उस सबके अंदर इसके ट्रेट्स जाएंगे ठीक है जब ट्रेट्स जाएंगे तो ये एक ये जो है ये हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो कि डेंगू जैसा जो वायरस जो डेंगू जैसी डिजीज है उसको फैलने नहीं देता है तो मैं ध्यान रखना वल्बेशिया बैक्टीरिया काफी इंपॉर्टेंट है जो कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अगर हम पिछले पाँच साल के डेटा चेक करें तो 2016 में इंडिया के अंदर 1000 से ज्यादा केसेस थे ठीक है ऑलमोस्ट 1300 केसेस थे 2017 में 500 केसेस थे 2018 में 668 केसेस थे फिर 2019 में ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा था तो अराउंड 1200 से केसेस लगातार ड्रॉप हो गए और ट्वेंटी आते आते सिर्फ दो सौ केसेस रह गए So, सो इंडिया सोच रहे थे कि हम हमने धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया है डेंगू को बट 2021 में अभी चल ही रहा है अभी अक्टूबर के अभी अभी नवंबर का महीना चल रहा है एंड वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी सीन इट 659 केसेस ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं ठीक है सो so, 200 से हमें हमने 1200 से इसको 200 तक डाउन कर दिया था बट ये फिर से अराउंड सेवन तक जंप कर चुका है ठीक है ओके दिस वॉज ऑल अबाउट डेंगू उ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इसके बारे में बहुत ही छोटा सा इंफॉर्मेशन है त्रिपुरा ने कुछ क्रिमिनल केसेस फाइल किए हैं अगेंस्ट सम लॉयर्स एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट एक्सेट्रा ठीक है रीजन क्या दिया है रीजन ये है कि उन्होंने कुछ फेक एंड प्रोवोकेटिव मैसेजेस फैलाए हैं और कुछ ऐसे फोटोज फैलाए हैं कब फैलाई हैं देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ है कुछ हिंदूज पर अटैक हुआ है ठीक है बांग्लादेश में कुछ हिंदू पर अटैक हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ लॉयर्स एक्टिविस्ट ये लोग जो है इन्होंने कुछ ऐसे स्प्रेड ऐसे फोटोज ऐसे मैसेजेस को स्प्रेड किए हैं जिसको त्रिपुरा ने यूएपीए के अंदर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है ठीक है ओके यूएपीए जो है ए 1967 में इसको बनाया गया था जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उन सबको कंट्रोल करने के लिए बट मेनली 2004 और 2008 में दो ऐसे अमेंडमेंट्स हुए कि इसको सिंपली एंटी टेरर लॉ बना के छोड़ दिया गया ठीक है मतलब एंटी जो टेररिज्म को रोकने का काम करता है इसके अलावा ट्वेंटी में भी पार्लियामेंट ने एक बिल बनाया है और जिसमें यह बोला गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स को भी हम एज टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं आपसे यूए पी के अंदर में इसके अलावा अगर हम टेरिज्म की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जो हमारी बॉडी है इट इज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया जो कि एन एक्ट टू थाउजेंड एट के अंदर उसको बनाया गया था ठीक है यू ए और एनआईए एक्ट दोनों पैनली काम करते हैं ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वंशाधारा फेज टू प्रोजेक्ट ठीक है वंशाधारा के बारे में बात करते हैं दिस इज ए डिस्प्यूटेड रिवर प्रोजेक्ट जो कि बिटवीन आंध्रा एंड और उड़ीसा के बीच में ठीक है ठेके? अब देखिए क्या डिस्प्यूट है कि आंध्रा जो है इट वांट्स टू बिल्ड नेरादी ब्रिज

Uh, वंशाधरा के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारे का सारा नागावाली में जा सके ठीक है एंड एक्सपेंड द माधुवालसा रिजर वायर प्रोजेक्ट माधुवालसा के बारे में बात करें माधुवालसा एक मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट है जो कि स्वर्णमुखी रिवर के ऊपर है ठीक है और ये जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नागावाली रिवर अगर इसे मैप पर देखने की कोशिश करें यह देखिए नौ दिस इज ओडिशा दिस इज आंध्रा ठीक है नाउ दिस इज द रिवर जो आप देख रहे हैं दिस इज द रिवर दिस इज वन साधारा रिवर ठीक है नाउ सर फर्स्ट ऑफ ऑल अब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेक करना है फर्स्ट इज यहां पर देखिए आप निरादी बैरेज ये निरादी बैरेज जो है आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पे है यहीं पर आंध्रा इसको बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पहले उड़ीसा की परमिशन चाहिए होगी ठीक है ओके okay. इसके अलावा उड़ीसा क्या बोल रहा है उड़ीसा बोल रहा है कि इट विल लीड टू ड्राइंग ऑफ एग्जिटिंग रिवर बेड ठीक है कि अगर हम अपना पानी वहां पर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो रिवर बेड है वो धीरे धीरे धीर धीर ड्राई होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल लीड टू शिफ्टिंग ऑफ रिवर अफेक्टिंग द ग्राउंड वाटर टेबल ठीक है जो हमारा पानी जो ग्राउंड वाटर में जो पानी है ग्राउंड टेबल में जो पानी है वो धीरे धीरे धीर कम होना शुरू हो जाएगा सेकंड चीज ये कोई पहला डिस्प्यूट नहीं है जो यहाँ पर हुआ है इससे पहले ऑलरेडी आंध्र और उड़ीसा के बीच में डिस्प्यूट्स हो रखे थे उसे कारण क्या हुआ था आंध्र और उड़ीसा के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था लेकिन आंध्र ने उस पैक्ट को मतलब प्रॉपरली निभाया नहीं था तो इट इज़ अ देर इज़ अ फेलियर ऑफ आंध्रा टू इंप्लीमेंट टर्म्स ऑफ इंटर स्टेट अग्रीमेंट ऑन यूज ऑफ वाटर आंध्रा ने उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया था ठीक है नाउ थर्ड इज दैट ओडिशा वॉन्ट्स अ साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर उड़ीसा बोलता है कि हमें एक प्रॉपरली प्रॉपर साइंटिफिक असेसमेंट चाहिए जितना कितना पानी वंशाधारा के अंदर है ठीक है देखिए इन्होंने दो जगहों का नाम बताया है फर्स्ट इज कटरागाड़ा सेकंड इज गोटा बैरेज ठीक है इसको मैप में देखिए फर्स्ट इज कटरागाड़ा दैट इज़ एट द टॉप यहाँ देखिए कटरागाड़ा बैरेज एंड सेकंड इज कोटा बैरेज गोटा बैरेज यहाँ पे देखिए बिल्कुल साउथ में एक बिल्कुल नॉर्थ में एक बिल्कुल साउथ में तो कटरागाड़ा गारा और गोटा बैरेज अगर हम बिल्कुल नॉर्थन मोस्ट पर कितना पानी है वो और सबसे नीचे कितना पानी है दो, दोनों दोनों अगर हम प्रॉपरली इसको इंप्लीमेंट कर ले प्रॉपरली इसको मेजर कर ले तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पानी इसके अंदर है उड़ीसा ये चाहता है कि अगर रिवर के ये है तो नॉर्थ मोस्ट में कितना पानी है और साउथ मोस्ट में कितना पानी है ठीक है इन दोनों को अगर पता लगा ले उसके बाद बोलता है उसके बाद डिसाइड किया जाए कि कितना पानी किसको शेयर करना है कि आंध्रा को कितना पानी हम देंगे ओडिशा को कितना देंगे ये बाद में डिसाइड किया जाएगा तो ये तीन डिमांड्स उड़ीसा की है ठीक है इसके अलावा वंशाधरा की बात करें तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ठीक है ईस्ट की तरफ फ्लो करता है जो कि ओडिशा में कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ओरिजिनेट करता है ठीक है यहाँ से ओरिजिनेट करता है एंड उसके बाद उड़ीसा और आंध्रा के बाउंड्री के साथ साथ ही उड़ीसा और आंध्रा के बाउंड्री के साथ साथ ये फ्लो करता है और बाद में बे ऑफ बंगाल ज्वाइन कर लेता है थ्रू एक प्लेस है आंध्रा के अंदर कालिंगापटनम कालिंगापट्टनम के थ्रू ये वे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं इसके अलावा अगर हम आंध्रा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें ये देखिए ये आंध्रा का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ठीक है इसकी अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेशली इरिगेशन के लिए ठीक है तो इसलिए वर्टिकुलर एरिया रिवर को यूज़ करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर एक उन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा है बोडेपल्ली गोपाल राव प्रोजेक्ट ठीक है इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके वो लोग इरीगेशन के नीड्स को कम्प्लीट करते हैं आंध्रा आंध्रा स्टेट एज अ स्टेट यूज़ करता है इस पर्टिकुलर रिवर को ठीक है इसके अलावा ये हो गया एक वंशधारा रिवर प्रोजेक्ट जो कि आंध्रा और उड़ीसा के बीच में डिस्प्यूटेड है इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ठीक है जैसे रावी एंड ब्यास ये रिवर है पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में डिस्प्यूटेड है नर्मदा रिवर जो है वो एमपी गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में डिस्प्यूटेड है कृष्णा रिवर महाराष्ट्र आंध्र कर्नाटक एंड तेलंगाना के बीच में डिस्प्यूटेड है वमसदारा जैसे हमने देखा आंध्र और उड़ीसा के बीच में डिस्प्यूटेड है कावेरी का देखिए केरला कर्नाटक तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के बीच में है गोदावरी महाराष्ट्र आंध्र तेलंगाना कर्नाटक एम पी एंड ओडिसा के बीच में है महानदी जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में है महादाई रिवर जो है वो गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है एंड फाइनली पैरियार रिवर जो है तमिलनाडु और केरला के बीच में डिस्प्यूटेड है तो ये एक आइडिया होना चाहिए बिकॉज किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद होगा ये प्री ट्वेंटी ट्वेंटी में भी ऑलरेडी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन तो आज को हमने यूज किया है इस पर्टिकुलर चीज को प्रॉपरली समझने के लिए देखिए न्यूज ये है कि महाराष्ट्र के जो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख साहब उनको रिसेंटली जुडिशियल uh, कस्टडी में भेज दिया गया है देखिए इसको हम uh, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं एक्जैक्टली यह है क्या सबसे पहले देखते हैं कस्टडी क्या होती है कस्टडी का मतलब है सिंपली किसी को अप्रीहेंड करना अप्रीहेंड करना मतलब किसी को गिरफ्तार करना फॉर प्रोटेक्टिव केयर ताकि हम किसी चीज पर्टिकुलर चीज की सुरक्षा कर सकते एम क्या है एम इज टू सेव अदर पीपल इन द सोसाइटी फ्रॉम क्राइम ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन कोई क्राइम ना करे इसलिए उससे पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है इसे कहते हैं कि किसी पर्सन को कस्टडी में लेना अब देखिए कस्टडी और अरेस्ट में कुछ फर्क है कस्टडी अरेस्ट में क्या देखिए हर इन एवरी अरेस्ट देर इज ए कस्टडी हर जब अरेस्ट होगा तो उसके अंदर पर्सन वो कस्टडी के अंदर जाएगा लेकिन हर पर्सन जो कस्टडी में जाएगा जरूरी नहीं है कि वो अरेस्ट होगा ठीक है ये ध्यान रखना है आपको हर पर्सन जो अरेस्ट होता है वो कस्टडी में जरूर जाता है लेकिन हर पर्सन जो कस्टडी में जाता है जरूरी नहीं है कि वो अरेस्ट होता है अरेस्ट का मतलब क्या है अरेस्ट का मतलब है कि किसी पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है वो डायरेक्टली कटेल होती है मतलब उसको कम कर दिया जाता है इट स्ट्राइक्स एट हिज फ्रीडम डायरेक्टली उसकी फ्रीडम को ही मतलब बंद कर लिया जाता है उसकी फ्रीडम को रोक लेते हैं जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसकी फ्रीडम कम हो जाती है अब दो टाइप की कस्टडी होती है ध्यान रखना है आपको फर्स्ट होता है पुलिस कस्टडी एंड सेकंड होता है जुडिशियल कस्टडी तो पहले हम बात करेंगे जुडिशियल कस्टडी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस पुलिस कस्टडी ना पुलिस कस्टडी में क्या होता है अगर पर्सन किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया और वो रिपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद उस पर्सन का अरेस्ट किया जाता है ठीक है अरेस्ट ऑफ अ सस्पेक्ट इन्वॉल्व इन अ क्राइम रिपोर्टेड उसके बाद एम क्या है टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग द ऑफेंसिव एक्ट फर्दर ताकि कुछ और वो दिक्कत ना कर ताकि कोई और वो गलती आगे ना करे नाउ सस्पेक्ट इज ब्रॉड टू पुलिस स्टेशन जेल एट द पुलिस स्टेशन ठीक है एंड दिस ऑफिसर मे बी इंटोग्रेटेड पुलिस ऑफिसर होगा ही मे इंटोग्रेट दिस पर्टिकुलर सस्पेक्ट तो ये तीन चीजें पता चली फर्स्ट उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा ठीक है सेकंड चीज जो जेल होगा जेल पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा जाएगा उसको कहीं बाहर नहीं रखते हैं और थर्ड इज पुलिस ऑफिसर है वहां का वो डायरेक्टली उसको इंटोग्रेट कर सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर पुलिस कस्टडी जो इनिशियली है एक बार अगर एक पर्सन को गिरफ्तार किया गया है इनिशियली वो 24 घंटे से ज्यादा की नहीं हो सकती है चौबीस घंटे के अंदर क्या होता है उस पर्सन को हमें आ, नियरेस्ट जो जज होता है मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने उसको डालना होता है उसको लेके जाना होता है अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम मतलब 24 घंटे रखने के बाद वो लेके जा सकते हैं उसको ज, जेल में जो आने जाने का टाइम है मतलब पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट का जो टाइम है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है 24 घंटे के अलावा वो टाइम मिलता है ठीक है तो ये ध्यान रखना दिस इज ऑल अबाउट पुलिस कस्टडी

अब यहां पर रोल होता है मजिस्ट्रेट का कि मजिस्ट्रेट यहां पर डिसाइड करता है कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या फिर उसको पुलिस कस्टडी में वापस भेजना है ठीक है यहां पर उसको ये डिसाइड करता है नाउ इसके अलावा अगर कोई पर्सन एटीन से कम है ठीक है इफ इज बिलो एटीन देन यानी कि उसे अगर वो जुवेनाइल है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाता है वहां पर उसको डिसाइड किया जाता है कि उसका uh, उसकी वो क्या है दिक्कत क्या है और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं इसके अलावा इफ अ सस्पेक्ट अंडर पुलिस कस्टडी में हो या फिर जुडिशियल कस्टडी में हो अगर कोई पर्सन सस्पेक्ट है तो सिर्फ सस्पेक्ट ही माना जाएगा उसको क्रिमिनल अभी नहीं मानेंगे ही इज कंसिडर्ड क्रिमिनल ओनली आफ्टर द कोर्ट फाइंड सम गिल्टी एंड कन्विक्ट ऑफ द क्राइम देखिए जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन मतलब उसको दोषी नहीं ठहराया जाता है कोर्ट के अंदर जब तक दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उसको कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसे कन्विक्ट नहीं बोल सकता उसे गिल्टी नहीं बोल सकता है जैसा आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर वो क्या है आ, रूल क्या है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपको कोर्ट गिल्टी डिक्लेयर नहीं करेगी तब तक आप इनोसेंट ही ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ गया उ इसमें एक दो डिफरेंस सॉरे हम है, समझ लेते हैं देखिए पुलिस कस्टडी में देखिए पुलिस कस्टडी इज डिफाइंड एज द इमीडिएट फिजिकल कस्टडी जो इमीडिएटली होता है फिजिकल कस्टडी बाय द पुलिस ऑफ अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम इजी है जुडिशियल कस्टडी में देखते हैं ही इजाइड बाय अ जज और द कोर्ट इटसेल्फ जब पुलिस के अंदर हो तो पुलिस कस्टडी है जज के अंदर है तो ज्यूडिशियल कस्टडी है सेकंड पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन लेके जाते होते हैं और ज्यूडिशियल कस्टडी में कहा लेके जाते हैं जो जज डिक्लेयर करता है ये ठीक है और उसको फिर उसके बाद जेल में भेजा जाता है पुलिस कस्टडी में ही कैन मेंटेड बाई द पुलिस पुलिस डायरेक्टली इंटोरेशन कर सकती है जुडिशियल कस्टडी में इंटीग्रेशन नहीं कर सकती इज नो इंटीग्रेशन अगर इंटोग्रेशन करना है तो पहले उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको इसके अलावा जब पुलिस कस्टडी होती है तो आप देख अपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि लीगल काउंसिल जब तक उसका लीगल काउंसिल नहीं आता तब तक उसको चुप रहने की आजादी होती है सो लीगल काउंसिल का रहना अलाउड है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ठीक है जुडिशियल कस्टडी में ऑब्वियसली उसका इंटोग्रेशन तभी हो सकता है अगर हम कोर्ट से परमिशन लेंगे तो कोर्ट तो ये सब देखकर ही ऑलरेडी परमिशन देता है एंड फिफ्थ पॉइंट कि पुलिस कस्टडी इज द प्रोटेक्शन एंड केयर प्रोवाइडेड बाई द पुलिस और

ओके नाउ दिस इज ड्रेन बाय लोहित रिवर हमें ध्यान अरुणाचल के अंदर एक लोहित रिवर निकलती है वो इस पर्टिकुलर विलेज को भी ड्रेन करती है नाउ क्यों इसका डॉक्यूमेंट्री क्यों बना इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस नाउ 1962 में जब इंडिया चाइना का अटैक हुआ था इंडिया चाइना का वॉर जब हो रहा था और चाइना ने जब अटैक किया था इंडिया के ऊपर तो कहो विलेज के जो लोग थे उन लोगों ने काफी असिस्ट किया था इंडियन सोल्जर्स का देखिए चाइनीज सोल्जर्स उस टाइम ज्यादा थे एज टू इंडियन सोल्जर्स तो इंडियन सोल्जर्स आउट नंबर हो गए थे तो चाइनीज सोल्जर्स के सामने इस पर्टिकुलर विलेज के लोग भी आके खड़े हो गए थे इंडियन सोल्जर्स के साथ में साथ साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने फाइट किया था ठीक है इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को आ, काफी यू नो वीरता का सम्मान देते हुए इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है नाउ कहो जो है इट इज द फर्स्ट विलेज फ्रॉम चाइनीज बॉर्डर जो कि अंजौर डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है उसका नाम है मियर कम्युनिटी ठीक है ओके इसके अलावा 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार इस पर्टिकुलर विलेज के अंदर सिर्फ 65 फाइव रेसिडेंट्स हैं उसमें से सिक्सटी से ज्यादा लिटरेट्स हैं इसका अगर हम लोकेशन देखें तो ये आपको गूगल मैप है ठीक है नो इफ यू सी दिस इज भूटान ठीक है ये देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा ठीक है ईस्टर्न साइड में तो आपको इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे आपको एक प्लेस दिखेगा दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कहो विलेज ठीक है तो ये बिल्कुल uh, में है, आपको ध्यान रखना है ओके द नेक्स्ट टॉपिक श्रीनगर एयरपोर्ट का एक टॉपिक आया है कि रिसेंटली uh, इस श्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है इट हैज बीन डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एरा एक्ट है हमारा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट टू का एक्ट है इसके अंदर उसको मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर दिया गया है ना no, और क्या है एरा uh, को अब डिसाइड uh, मतलब uh, कुछ पावर्स मिल गए हैं कि वो अब टैरिफ डिसाइड कर सकता है ठीक है इंक्लूडिंग द डेवलपमेंटल फी कितना होना चाहिए पैसेंजर सर्विस फी कितना होना चाहिए सब अब एरा डिसाइड कर सकता है ठीक है पहले कौन डिसाइड करता था पहले सब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी इसके अलावा सेंटर जो है किसी भी पर्टिकुलर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर सकती है अगर उसका एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है अगर एक पर्टिकुलर लेवल से इंक्रीज हो जाए तो ठीक है तो उसको इंक्रीज उसको मतलब बना सकती है एक मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर सकती है इसके अलावा हमें पता है कि ये जम्मू कश्मीर है ये ऐसे डिवाइड हो गया है दिस इज लद्दाख एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज जम्मू कश्मीर नाउ ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये श्रीनगर है ठीक है और श्रीनगर के आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो आपको गुलमर्ग देखिए ठीक है सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ श्रीनगर ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कांगरी देखिए कांगरी क्या है पहले आप इस इमेज को देखिए आपको इमेज से समझ आएगा देखिए ये एक वोवन पॉट है आपको अंदर देखिए अंदर की तरफ एक घड़े टाइप है ठीक है घड़ा है जिसके बाहर एक बास्केट बनाया गया है मतलब बास्केट बिना हुआ है ठीक है वोवन बास्केट है ओके okay. इसके अलावा इसके अंदर चिंगारी रखी हुई है देखिए ये चिंगारी है ठीक है चिंगारी है ओके okay. एक आपने एक बेसिक आइडिया लगा लिया होगा कि किस काम का है दिस इज यूज टू कीप वन सेल्फ वार्मी अपने आप को गर्म रखने के लिए स्पेशली इन विंटर्स के टाइम में थोड़ी सी वार्मेने के लिए इस पर्टिकुलर चीज को यूज किया जाता है कहाँ यूज किया जाता है इट इज यूज इन कश्मीर ठीक है ओके ये एक अर्दन पॉट है जो कि विवन अराउंड द विकेट फिल्ड विद, विद हॉट एम्बर्स एम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी यूज बाई पीपल ऑफ कश्मीर कश्मीर के लोग इसको यूज करते हैं टू कीप दन सेम डिंग विंटर्स ओके नाउ कहां रखते हैं इसको टू कीप इट दे कीप इट बिनी देर फिरान फिरान क्या होता है देखिए ऐसे जो क्लोक पहनते कश्मीरी लोग जो क्लोक पहनते हैं उसे फिर कहते हैं या फिर ब्लैंकेट जहाँ पर भी है वो लोग उसके अंदर वो लोग रखते हैं इट इज लाइक अ पोर्टेबल एंड मूवेबल हीटर ठीक है ये हीटर की तरह काम करता है इट इज अबाउट सिक्स इंच डायमीटर देखिए बहुत ही छोटा है बहुत बड़ा नहीं है बहुत ही छोटा है एंड कैन रीच टेम्परेचर अपू सिक्स सिक्स डिग्री सेल्सियस मतलब काफी ज्यादा गर्म कर सकता है अगर ये प्रॉपर्ली इसको यूज किया जा जाए तो आप अगर इस पर्टिकुलर इमेज में देखेंगे तो देखिए इस पर्सन ने अपने क्लोक के नीचे यानी कि फिरान के नीचे अपने इस पर्टिकुलर uh, कांगरी को रखा हुआ है और यूज कर रहा है तो इसको यूज किया जाता है वार्म लेने के लिए ठीक है ओके नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट लियोन देखिए ये न्यूज में इसलिए बिकॉज़ यहां पर ऑयल टैंकर एक्सप्लोड हो गया है इसका हमें मेन चीज हमें इसका लोकेशन चेक करना है आप अगर अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में दिखेगा आपको छोटा सा कंट्री है सीरा लियोन अब ओके सीरा लियोन ये देखिए दिस इज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज लियोन ठीक है अगर हम इसका वो देखें छोटा वर्जन देखें देखिए सिया लियोन ये रहा आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसके बगल में अटलांटिक अटलांटिकेश्शन है ओके नाउ इससे कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स वगैरह से निकलती है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है दो इम्पोर्टेंट आइलैंड फर्स्ट इज बनाना आइलैंड एंड सेकंड इज टर्टल आइलैंड ठीक है इन दो आइलैंड के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए और ये आपका सीरा लियोन है ओके नाउ दिस इज सिवा रिवर एंड टाया रिवर ठीक है और एक मोया रिवर ये तीनों रिवर्स इसके अंदर से ग्रो करते हैं ठीक है फ्लो करते हैं ये हमें ध्यान रखना है ओके

जितना भी न्यू न्यू कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है ना उसके कारण क्या हुआ है जो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर राइज को तो मतलब कम करने का जो हमारा एम है उस काफ़ी वो इंप्रूव हुआ है देखिए हमने पहले डिसाइड किया है कि दो डिग्री सेल्सियस से कम रहना है वो थर्टी फोर परसेंट चांसेस उसके बढ़ गए हैं ठीक है एंड अगर डेढ़ डिग्री वन पॉइंट फाइव डिग्री तक हमें अगर रहना है तो उसके लिए हमारा वन पॉइंट फाइव परसेंट चांसेस बढ़ गए हैं मतलब इतने चांसेस है कि हम ऐसा कर सकते हैं अभी भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है बट हमारा एटलीस्ट चांसेस टू डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का चांस हमारा थर्टी फोर परसेंट तक पहुंच गया इसके अलावा ट्वेंटी फिफ्टी में जो पैरिस एग्रीमेंट uh, हुआ था उसके अंदर जो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने प्लच लिया था कि हम इतना करेंगे इतना करेंगे, हम इतना करेंगे इतना करेंगे हम इतना कम करेंगे उससे कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था देखिए सिर्फ एट परसेंट चांस मिला था हमें कि हम अपने टेम्परेचर को दो डिग्री सेल्सियस से कम कर पाएंगे और अगर हम वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से कम करने की बात करें तो पैरिस एग्रीमेंट में जितना लोगों ने हर एक कंट्री ने जितना अपना एनडीसी डिक्लेयर किया था उसके से तो, तो कोई चांस ही नहीं था इट वॉज दे वॉज जीरो चांस ठीक है अब देखिए ज्यादातर जो मेजर हैं, उन्होंने प्लेज किया है कि हम नेट जीरो पहुंचेंगे बाई ट्वेंटी फिफ्टी नेट जीरो का मतलब यही होता है कि जितना CO2 टू हम रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उतना ही इस टू अगर हम किस तरीके से एब्जॉर्ब करा दें उसे कहते हैं नेट जीरो तो ठीक है तो ज़्यादातर जो मेजर इकॉनमीज़ है उन्होंने बुलाया कि ट्वेंटी फिफ्टी तक हम अपने आ, इसको नेट जीरो तक आ, को अचीव कर लेंगे देखिए जैसे यूएसए यूके यू इन लोगों ने ट्वेंटी फिफ्टी का टारगेट रखा है चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉल्यूटर है उसने ट्वेंटी सिक्सटी का टारगेट रखा है और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट पॉल्यूटर है इसने ट्वेंटी सेवेंटी का टारगेट रखा है जैसा हमने कल बात की थी कल इसके ऊपर पूरा हमने बात किया था ठीक है अब देखिए इसके अलावा बारह कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर कमिटमेंट के लिए लॉ बना दिया है मतलब अपने अपनी कंट्रीज के अंदर इसका लॉ बनाया है जर्मनी स्वीडन, जापान यूके फ्रांस कनाडा, साउथ कोरिया स्पेन डेनमार्क न्यूजीलैंड हंगरी और लग्जमबाग ये बारह कंट्री ऐसी जिन्होंने इसके ऊपर लॉ बनाया है नाउ मेकिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट इज मोर लाइकली टू टेक मोर एम्बिशन उसको ऑब्वियसली अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रुकना है तो हमें और ज्यादा एंबिशन uh, इंक्रीज करना होगा और ज्यादा हमें कोशिशें करनी पड़ेगी नाउ क्लाइमेट चेंज हैज ऑलरेडी कॉस्ट ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज अबव वन पॉइंट डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्री लेवल्स जितना हमारा प्री इंडस्ट्री लेवल था उससे हम ऑलरेडी वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुके हैं ठीक है थेके? अब हमें वन डिग्री सेल्सियस पर रुकने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इन पास्ट में ऐसे देखिए क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी चीज नहीं है जो फर्स्ट टाइम हो रही है लाइफ में क्लाइमेट चेंज पहले भी बहुत बार होते थे लेकिन कुछ ही डिग्रीज इंक्रीज करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते थे लेकिन हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है एथ्रोपोजनिक एक्टिवटी है उसके कारण ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसके कारण ये बहुत ही फास्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉप ट्वेंटी के आउटकम्स अब देखिए यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉप ट्वेंटी सिक्स अब रिसली ग्लास्ज्गो के अंदर हुआ है उसके अंदर दो मेन चीजें डिसाइड की गई हैं पहले हम बात करेंगे मिथिन प्लस के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे ग्लाजोग के डिक्लेरेशन के बारे में तो पहले हम बात करते हैं मिथेन प्लस के बारे में देखिए यूएसए और यू ई इन दोनों कंट्रीज में क्या किया है मिथेन का एमिशन कम करने के लिए कितना कम करना है बाई थर्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी मतलब 2030 तक 30 परसेंट एमिशन कम करना है मिथेन का ऐसा उन्होंने प्लस किया बेस उन्होंने लिया है 2020 मतलब 2020 के अकॉर्डिंग 2020 के कंपैरिजन में हमें 30 परसेंट और कम करना है बाई नेक्स्ट टेन ईयर्स के लिए दो तक के लिए ओके okay, अब लेकिन इंडिया एंड चाइना ही किया है इंडिया ने साइन नहीं किया है ठीक है हमें समझना है कि क्यों साइन नहीं किया इंडिया ने देखिए मिथिन की बात अगर करें हम मिथेन जितना भी टोटल ग्रीन हाउस है उसका वन फिफ सिर्फ मिथेन है ठीक है इतना मिथिन प्रोड्यूस होता है बट अगर सीओ और मिथेन के अंदर अगर हम

देखिए पोटेंशियम में पता है सी एच फोर की जाता है मिथेन की जाता है लेकिन इसका ये बहुत ही छोटा वो है शॉर्ट लिफ्ट है मतलब ज्यादा देर ये सस्टेन नहीं कर सकता खुद को सो so, ये बहुत ही लॉजिकल होगा ना कि अगर हम सबसे सीओ टू से पहले अगर हम सी एच फोर पर ज्यादा ध्यान दें और सी एच फोर को बाहर निकाल दें बिकॉज पहली बात हो देखिए इजिली निकल सकता ये है बिकॉज शॉर्ट लिफ्ट है ज्यादा देर तक सस्टे नहीं कर सकता सीओ टू काफी लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकता है एंड सेकंड पॉइंट अगर हम इसे निकाल पाए तो हम मेजोरिटी ऑफ द एक ऐसा गैस निकाल पाएंगे जो सबसे ज्यादा हीट को ट्रैप कर रहा है सीओ टू जितना भी हीट ट्रैप कर रहा है उससे मतलब पच्चीस गुना ज्यादा ये हीट ट्रैप कर सकता है सीएच फोर राइट तो हम इसको ज्यादा निकलने की जरूरत है। इसके अलावा, के सोर्स क्या क्या तो, कोल माइनिंग स्टैचुरियन मोबाइल कंबोशन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिफरेंट सब सब डिफरेंट तरीके से मिथिन प्रोड्यूस करते हैं अब इंडिया की बात करें तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ मिथिन अब देखिए थर्ड लार्जेस्ट होने के बावजूद इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज को साइन क्यों नहीं किया बिकॉज इंडिया ने बोला कि हम जो मिथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर इंडस्ट्रीज एंड ऑल हम कोई डेवलपमेंट के लिए मिथेन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हमारा जो है मिथेन प्रोड्यूस हो रहा है दट इज बिकॉज ऑफ आर रूरल इकॉनमी हमारे कंट्री के अंदर इतना रूरल इकॉनमी है प्लस हमारे पास सबसे लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है तो आप, आपको पता है काउडंग या फिर जितने भी एक्सक्रीटा होते हैं एनिमल्स के कैटल्स के उसमें से मिथेन रिलीज होता है राइट तो मतलब वो सब उन सबको यूज करके मिथेन रिलीज किया जाता है तो ये हमारा रीज़न है एक्चुअली मिथेन हमारा ज़्यादा होने का हम कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा मतलब मिथिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में कि हमें इसको कम करने की जरूरत पड़े हमारा एक्चुअली जितना हो रहा है वो सबसे सब रूरल इकोनॉमी के कारण हो रहा है इसीलिए हमें इसको फिलहाल हम उसको साइन नहीं किया इंडिया ने इसके साथ इंडिया ने बोला है कि इट विल डिप्लॉय टेक्नोलॉजी मतलब इंडिया न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह लगा रही है और ताकि वो मिथेन को कैप्चर कर सके और इसको हटाने के बजाय इसको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करें बिकॉज हमें ये भी तो पता है कि सी एच फोर बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल है राइट right? तो ये इसको एज अ फ्यूल का सोर्स भी तो हम यूज कर सकते हैं तो इंडिया ने बोला है कि हम इसे ट्रैप करके एक फ्यूल, अच्छे फ्यूल के सोर्स की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा जो हमारा एम uh, है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूबल एनर्जी इट हैज़ इन्वेस्ट हेवीली इन नेशनल स्ट्रैटेजी टू इक्रीज द बायोगेस प्रोडक्शन एंड रिड्यूस मिथेन एमिशन ठीक है मिथिन के एमिशन को कम करके हम किस तरीके से बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकेंगे ताकि उसको हम एनर्जी नीड्स के लिए यूज कर सके ये हमारा मिथेन का प्लेस था तो आई होप आपको समझ आ गया कि इंडिया ने उसको साइन क्यों नहीं किया है बिकॉज इंडिया बोलता है कि हमारे किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण मिथिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है हमारा जो मिथेन प्रोड्यूस हो रहा है दट इज बिकॉज ऑफ फूल इकॉमी तो अभी हम रिसेंटली अभी हम हाल फिलहाल में उसको बंद करने का नहीं सोच सकते तो हमने अपने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं हम उस प्लान्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जब भी वो होगा तो हम उसके बाद इसको साइन कर लेंगे देखा जाएगा वो फिलहाल इंडिया ने साइन नहीं किया है ठीक है ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लासगो डिक्लेरेशन उसी के अंदर के अंदर ही टोटल दो आउटकम्स आए थे पहला है विथिन प्लेस और सेकंड इज ग्लासगो डिक्लेरेशन देखो ग्लासगो डिक्लेरेशन आपको ध्यान रखना है इट इज ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज देखते क्या है यूके यूनाइटेड किंगडम ने इसको स्टार्ट किया है इसको ऑलरेडी वन थर्टी कंट्री साइन कर चुकी है एम क्या है टू हॉल डिफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल रोक देना है पेड़ पौधे सब कुछ रोक देने हैं एंड लैंड डिग्रेडेशन को रोक देना है बाई ट्वेंटी अगले दस साल के अंदर इंडिया इज ऑल्सो देखिए चाइना ने इसको साइन कर दिया लेकिन इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया ने डिफॉरेस्टेशन की uh, इस पर्टिकुलर uh, इनिशिएटिव को भी साइन नहीं किया है देखिए जो ग्लासगो डिक्लेरेशन है इससे पहले 2014 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑलरेडी आ गया था ऑन फॉरेस्ट इट प्रामिस टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन बाय 15 टू 20 परसेंट बाई ट्वेंटी यानी कि जो 2020 अभी गया है तब तक हमारा कम से कम 15 से 20 परसेंट तक हमारे हमें कम करना था हमें अमिशन को फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन uh, को कम करके हमें एमिशन कम करना था और दो तक बिल्कुल ही खत्म कर देना था हमें इस एमिशन को जो कि फॉरेस्ट के कारण हो रहा है फॉरेस्ट डिफॉरस्टेशन के कारण हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से फेल हो गया उल्टा क्या हुआ है इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ गया डिफॉरेस्टेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है ठीक है तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई थी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इसलिए हमें एक नया डिक्लेरेशन आने की जरूरत पड़ी इसका नाम है ग्लास्को डिक्लेरेशन देखिए इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया जैसे हमने यहां देखा इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया तो रीजन इंडिया ने नहीं दिया है लेकिन मतलब अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि इंडियन दे आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द वर्डिंग जो वर्डिंग यूज की गई है इस पर्टिकुलर uh, इसके अंदर डिक्लेरेशन के अंदर जो ये बोल रहा है कि जो अभी ऑब्लीगेशन है कि हमें इतना कम करना है इतना इतना कम करना है हो सकता है कि ऑब्लीगेशन आगे जाकर रिस्ट्रिक्शंस बन जाए इन इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आज अगर हम किस चीज़ के लिए ऑब्लीगेशन प्रोवाइड करें कि हाँ ठीक है हम कोशिश करेंगे कि हंड्रेड मिलियन न्यू ट्रीज लगाने हैं ठीक है तो सपोज तो ऐसा ना हो कि कल कोई जाके ये हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन बन जाए कि हम यू नो बिल्कुल फॉरेस्ट को यूज ही ना कर पाए अपने पर्टिकुल पर्टिकुलर कमर्शियल पर्पजेज के लिए तो ये कहीं दिक्कत ना बढ़ जाए इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को इंडिया ने फर्स्ट रीजन शायद इसके कारण साइन uh, नहीं किया है सेकेंड चीज सेकंड रीजन क्या है सेकंड रीज़न इज कि इंडिया इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज इंडिया के पास जितने भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज है उसको धीरे धीरे चेंजेस किए जा रहे हैं उसके अंदर आपने देखा होगा से एक ये भी था दट सीक टू इंक्रीज द कमर्शियल ट्री प्लांटेशन मतलब जो कमर्शियल ट्री प्लांटेशन है उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है और साथ में इंफ्रा डेवलपमेंट ऑफ फॉरस्ट लैंड फॉरेस्ट लैंड को इन्फ्रा डेवलपमेंट किया जाए लेकिन ग्लास्को डिक्लेन के अंदर इन दोनों चीजों की मनाही है बोला गया है कि एंडिंग डिफॉर फॉर कमर्शियल प्लांटेशन जहां पर भी कमर्शियल प्लांटेशन को यूज नहीं करना है स्पेशली डिफॉरिस्टेशन मतलब करने के बाद तो इंडिया की जो इंडिया का जो अपना एम है उसका अगेंस्ट जा रहा है इसलिए, इसलिए भी इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है ठीक है इंडिया की बात करें तो इंडिया के कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लान्स ये हैं कि 33 परसेंट ऑफ़ इस टोटल एरिया जो अंदर फॉरेस्ट है मतलब टोटल जो इंडिया का टोटल एरिया है उसका 33 परसेंट फॉरेस्ट के अंदर कवर करना है करेंटली ट्वेंटी टू परसेंट ऑलरेडी कवर हो चुका है अभी ग्यारह परसेंट का भी uh, हमारा टारगेट बचा हुआ है Now, let's see, इसको अगले दस साल के अंदर हमें इसको कवर करना है ठीक है इसके अलावा इंडिया को कार्बन सिंक बनाना है ट्रीज लगाने ताकि ये कार्बन सिंक क्रिएट हो सके ताकि हम ऑलमोस्ट थ्री बिलियन टन का सीओ टू इसके अंदर हम एब्सॉर्व करा सके ठीक है अफगानिस्तान देखिए एनएसए होता है National Security Advisor. हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल सर ठीक है वो आ, उन्होंने रिसेंटली अभी होस्ट कर रहे हैं वो लोग मतलब होस्ट करने के बाद चल रही है अफगानिस्तान के ऊपर एक मीटिंग कर रहे हैं ठीक है थेके? इंडिया के अंदर न्यू डेली के अंदर मीटिंग होगी वो देखिए इसके लिए कुछ इन्विटेशन सेंड किए गए हैं कुछ कंट्रीज को चाइना ईरान कजाकिस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान रशिया ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आप देख सकते हैं ठीक है जितने भी ये, ये है ये अफगानिस्तान है इसके आसपास जितने कंट्रीज़ हैं देखिए इंडिया ने बुलाया है पाकिस्तान को चाइना को किगिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान काजकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ठीक है इन सब कंट्रीज़ को बुलाया है इंडिया ने अपने इसके लिए मीटिंग के लिए एंड ईरान टू ठीक है ओके कन्फर्मेशन रिसीव हो गई है फ्रॉम ऑल ऑलमोस्ट हर कंट्री ने कंफर्मेशन दे दिया एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान ने अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन हम होपफुल है कि चाइना इसको कंफर्मेशन दे देगा पाकिस्तान का हमें अभी 100 परसेंट कन्फर्म नहीं है पाकिस्तान ने शायद अभी रिसेंटली रिजेक्ट भी कर दिया कि हम नहीं आएंगे तो लेकिन चाइना के लिए हम होपफुल है कि शायद चाइना आएगा इस मीटिंग के अंदर ओके नाउ ये मीटिंग जो है इट विल नॉट बी डिफरेंट इट विल भी ऑन द सेम लाइन सेम फॉर्मेट यूज किया जाएगा जो ईरान के अंदर देखिए ऑलरेडी दो मीटिंग्स हो चुकी है दो हज़ार अठारह दो हज़ार उन्नीस में ऑलरेडी दो मीटिंग्स हो चुकी है और अफगानिस्तान इशू ठीक है ताकि so, कैसे हम इस मैटर uh, को सॉल्व कर सकते हैं इसके ऑलरेडी uh, मीटिंग्स हो चुकी है लेकिन क्वेश्चन uh, यह है कि अगर दो मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी तो है थर्ड मीटिंग की जरूरत क्या है जरूरत इसलिए बिकॉज ट्वेंटी एटीन और 2019 में जो सिचुएशन अफगानिस्तान में था सिचुएशन उसे पूरी तरीके से चेंज हो गया दो हज़ार में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है एक न्यू गवर्नमेंट बनने की कोशिश कर रही है राइट अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट बनने की कोशिश कर रही है सो so, एक सिचुएशन पूरी तरीके से टर्न अराउंड हो चुका है तो एक न्यू मीटिंग करके एक न्यू स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि कैसे हम इस चीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं एम क्या है एम इज टू सी के कॉमन अंडरस्टैंडिंग ठीक है ऑफ हाउ टू अप्रोच तालिबान रजीम ठीक है ये हमारा मेन एम है कि कैसे कैसे उनसे बातचीत की जाए क्या हम कर सकते हैं दो मेन एम्स हैं दो मेन हमारे गोल्स हैं फर्स्ट इज कि वहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए सेकंड इज कि वहाँ पर राइट्स ऑफ फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटी प्रॉपरली प्रोवाइड करना है वुमेन्स को माइनॉरिटी को प्रॉपर राइट्स वगैरह प्रोवाइड करना है यहाँ तो पर ये दो हमारे गोल्स होंगे जो हम तालिबान के बारे में बात करेंगे रहे हैं कैसे हम इस, इन, इन दोनों गोल्स को कैसे हम पूरा कर सकते हैं इसके अलावा नो कंट्री है नाम का एक है, जो तालिबान के हेड है शपथ ग्रहण किया है ठीक है अभी वो बन गए हैं। तो अभी किसी कंट्री ने इनको पीएम की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है मतलब इस पर्टिकुलर रजीम को तालिबान रजीम किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है बट ऑल नेशंस आर इंगेजिंग तालिबान ऑफिशियल्स एट डिफरेंट लेवल्स लेकिन सब अपने अपने तरीके से बात करने की को, कोशिश कर रहे हैं जैसे कि देखिए चाइना है ईरान पाकिस्तान रशिया ये सब इन्होंने अभी अपने एम्बसीज ओपन रखे हुए हैं काबुल के अंदर अफगानिस्तान कैपिटल है काबुल वहाँ पर अभी भी अपनी को उन्होंने ओपन रखा हुआ है इसके अलावा कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे हमने अभी बात की थी ये ये देखिए ये सब ये सब, ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इन लोगों ने भी अपने डेलीगेशन वगैरह भेजे हैं ताकि ऑफिशियल मीटिंग्स हो सके तालिबान के साथ में ठीक है इसके अलावा देखिए इंडिया तीन मेजर थ्रेड्स की बात कर रहा है इस मीटिंग के ऊपर जो डिस्कस की जाएगी तीन मेजर थ्रेड्स है फर्स्ट की टेरर ग्रुप्स लगातार इंक्रीज हो रही है हैं अफगानिस्तान के अंदर जैसा हमने देखा था ऑलरेडी एक तो तालिबान ऑलरेडी है इसके अलावा आईसीएस यहाँ पर आ चुका है ठीक है तो और ज़्यादा टेररिस्ट के ग्रुप जो है लगातार अफगानिस्तान का सॉइल पर यूज़ हो रहे हैं इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग का एक इशू है जो लगातार इंक्रीज हो रहा है हमें पता है कि तालिबान के जितने भी सोर्स ऑफ फंडिंग है वो सबको बंद कर दिया गया राइट सोर्स ऑफ फंडिंग लगातार बंद हो गई है तो उनका जो फिलहाल जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो एक ही है कि वो ड्रग को यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण इंडिया के अंदर भी काफ़ी ड्रग्स अंदर आ रहा है ठीक है तो इस चीज़ को रोकना है किसी भी तरीके से एंड थर्ड इज़ कि जो रेफ्यूजीज़ वहां पर है अब देखिए अगर हम वहाँ से लोग भाग रहे हैं डर के अगर भाग रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं वो अब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर वहाँ पर, पर अफ़गानिस्तान में इतना बुरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है कि जो रेफ्यूजीज़ हैं अलग अलग जगहों पर भाग रहे हैं तो जहाँ भी जा रहे हैं उन रेफ्यूजीज़ को कितने अच्छे तरीके से हम कंपनसेट कर सकते हैं कैसे हम उनको प्रॉपर शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है इन चीज़ों के बारे में बात करना भी इस मीटिंग का एजेंडा है तीन एजेंडाज है यहाँ पर इसके पहले भी इन पास्ट इंडिया हैज़ बिन एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान आपने देखा होगा कि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हुए हैं लेकिन इंडिया को उसके अंदर नॉर्मली इंक्लूड नहीं किया जाता है जैसे रिसेंटली ग्रुप हुआ है ट्राइका प्लस ट्राइका प्लस नाम का एक ग्रुप था जिसमें चाइना रशिया यूएसए और पाकिस्तान ये चार कंट्रीज थी इन चारों ने अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कस करने के लिए ग्रुप बनाया था लेकिन उसने इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था सो <coughs> so, इंडिया देखिए इस पर्टिकुलर रीजन में इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इंडिया अपने आप को शो करना चाहता है कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ एंड आई शुड बी यू नो अलाउड या फिर आई शुड बी इनवाइटेड टू ज्वाइन दीस ग्रुप्स ताकि हम साथ में मिलकर अफगानिस्तान का इशू सॉर्ट आउट कर सकें इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इंडिया को भी इस पर्टिकुलर चीज़ में आगे बढ़कर हिस्सा लेना है ठीक है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो सेंड करना चाहता है इंडिया अपने इस एन मीट के थ्रू ये हमारे टॉपिक्स थे ये आप अफगानिस्तान देख सकते हैं इसके आसपास आप इसके नेबरिंग कंट्रीज देखिए पाकिस्तान है ईरान है यहाँ पर आप देखेंगे उज्बेकिस्तान है ताजिकिस्तान है चाइना है ठीक है और किर्गिस्तान है ये सब इसके डायरेक्ट नेबर्स हैं इसके अलावा इंडिया ये भी शो करना चाहता है कि ये पार्ट जो है दिस इ, दिस पार्ट इज इंडिया का जो डायरेक्टली टच होता है अफगानिस्तान से बहुत ही छोटा बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान से अगर हम पीओ के लेके चले तो ठीक है तो ये भी इंडिया शो करना चाहता है कि हम इसका डायरेक्ट नेबर है मतलब अपना पीओ का क्लेम इंडिया यहाँ पर असर्ट करना चाहता है कि हम ने अभी पीओके का क्लेम हमारे पास ही है मतलब पीओके हमारे पास है पाकिस्तान ने उसको जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर रखा है सो दिस वाज ऑल अबाउट आज के सारे रिविजन आज के सारे के सारे टॉपिक्स को हमने प्रॉपरली डिस्कस किया है एक रिविजन फॉर्मेट में इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि uh, आप रिवाइज कर पाएंगे और आप अच्छे से याद कर पाएंगे कि आपने एक्जेटली क्या क्या पढ़ा है ये ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में uh, आपको इसकी आंसर बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट फायर एक्सटिंग कंटेन्स ऑक्सीजन एज प्राइमरी गैस ठीक है आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है Second statement is, India is the second largest consumer of coal in the world. Third statement is, Chumbi Valley is situated at the south of Siliguri corridor. Fourth statement is, Dengue is a viral disease caused by Wolbachia Vol virus. Fifth is, Vamsadhara river flows in Odisha. Sixth is, Kaho village is in news due to recent intrusion by China. And last statement is, Kangri heater is the first portable heater to get GI tag from Kashmir. ये आपके क्वेश्चन हैं इसके आंसर्स आपको कल आ, हमारे वीडियो में मिल जाएंगे ठीक है आप कोशिश कर सकते हैं इसके आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं ठीक है यू शुड ट्राई और दैट वाज ऑल फॉर डिस्कशन टुडे अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कीजिए थैंक यू